भाई साहब बड़ा दिल रख के ना कुत्ते खुले छोड़ दिए इन्होंने, और वो भी टीएम। ये देख लो आप, ये कैनल है आज रुद्रा कैनल चंडीगढ़ से, जिसके ओनर है मिस्टर तिलक। क्या हाल है भैया? ठीक है भैया। तो भैया कब से हो आप टीएम में? 2015 से लगे हुए हैं टीएम में, बाकी प्रोफेशनली 2017 से ब्रीडिंग कर रहे हैं। 2017 से कर रहे हो? ये देखो दोस्तों क्या हाल कर लिया इन्होंने आपस में। और मैं पहले टीएम देख रहा हूँ कि जहाँ पर चार चार टीएम खड़े हैं, शायद पांचवा नहीं खोलेंगे, वो ज्यादा वो है ना, उसको उसको चेन के साथ खोल लो आप, उसको चेन के साथ खोल लो। और ये देख लो, मतलब चार शेरों में मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ पर। तो भैया टीएम है क्या? बड़ी अच्छी है, लॉयल है। देखो ये खेल रहे हैं आप, ये मेरे साथ खेल नहीं रहे, मेरा खून कम कर रहे हैं। बस भाई डर तो लगता ही है ना हर बंदे को। बिल्कुल भैया। तो भैया टीएम है क्या वैसे? भैया देखते हैं, बहुत ही प्यारी ब्रीड है, बहुत ही यूकेसीआई का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से है। जो उनसी मालिक के साथ बड़े लॉयल है, बच्चों के साथ भी बड़े लॉयल रहते हैं। और दूसरा ये गार्डिंग पर्पस के लिए बनी है ब्रीड, वॉच डॉग है और गार्ड ब्रीड है। थाईलैंड गए थे, वहाँ पे शेर वगैरह के साथ फोटो खिंचवा ली, तो लॉयन वगैरह तो पालना अलाउड नहीं है, तो गूगल पे सर्च मार रहे थे लॉयन वर्सेस टिब्बतन मैस्टिफ आ गया रिलेटेड सर्च में, तो जब से टीएम का ही कीड़ा लग गया कि टीएम ही रखने। मतलब लॉयन के धोखे में आपने टीएम रख लिए। तो ये कहाँ से आया हुआ? ये मुझे लग ही लग रहा है, लॉयन ही है ये, देख लीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल लॉयन ही लग रहा है। और ये सबसे अग्रेसिव है ना ये बाकियों से? बाकी तो चलो बड़े अच्छे प्यारे हैं, आराम से घूम रहे हैं, आपस में नहीं लड़ते, बस थोड़ी आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इस करके हैं। ये देख लो दोस्तों, ये कैसे लग रहे हैं आपको मुझे प्लीज आप कमेंट कीजिए। और ये वीडियो रिस्क ले रहा हूँ मैं भी, ये आगे पीछे भी आते ना तब भी डर लगता है। और ये इनके छोटे ब्रदर है, भैया आपका नाम क्या? अनिल। ये देख लो टीएम इनके पास कितने हैं। पहला वीडियो ऐसा होगा जिसमें हमने पांच टीएम खुले छोड़ दिए हैं। चाइनीज मतलब ये चाइना से आया? जी जी, भैया इसमें दो तरह के आते हैं, एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है एक चाइनीज है, तो ये चाइनीज टीएम है। और ये इनकी पहली टीएम है जो ये पहली बार लेकर आए थे। और ये देख लो भाई, हमने कितने कर दिए टीएम यहाँ पर? चार छह टीएम कर दिए। और ये छह टीएम टीएम वाले इसको जानते हैं फीमेल को अच्छे से। अच्छा, इसने काफी मतलब बच्चे दिए मशहूर, बच्चे चैंपियन भी हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे लीडर दिए इसने। ठीक है, ये देख लो कैसे खेल रही है। ये एक पोकर था हांगकांग धारीवाल कैनल से, हांगकांग से क्या बोलते हैं इंपोर्ट, उसकी बच्ची है ये डायरेक्ट। ठीक है, तो भैया ये वैसे आपने इसको लीश बांधी हुई है, ये भी अग्रेसिव है थोड़ी सी? भैया वैसे तो कुछ नहीं कहेगी, आपके करके बांधी हुई है। अच्छा, ये ज्यादा कुछ नहीं कहती है, इतनी अग्रेसिव नहीं है। और मैं इसके बाल देख रहा हूँ भैया, चाइनीज वाले के बाल भी हैं पॉज में, ये थोड़े बाल भैया इसके ना अभी शेडिंग हो रखी है, कोट आ रहा है, इसके बाल बहुत बड़े आ जाते हैं, फोटो आपको डाल देंगे इसकी, ये प्रॉपर लॉइन टाइप में आती है। मतलब रखना क्यों चाहिए या किसको लेना चाहिए आपके हिसाब से? भैया जिसके पास स्पेस है और जिसको शौक है, जो इसको अफोर्ड कर सकता है। कितना खाना खा लेते हैं रोज का? खाना तो भैया नॉर्मल लैबरा जितना ही है, पर वैसे ही इसकी केयरिंग बहुत है, स्पेशल एक बंदा तो चाहिए ही चाहिए इनको। ये देख लो एक को लटा के ये पूरा क्या कर रहे हैं? ये भैया सेटअप भी कैनल का टीएम के हिसाब से किया कि इतनी बड़ी जगह इनको घूमने फिरने के लिए, वॉक करने के लिए। तो ये टाइल से वैसे प्रॉब्लम नहीं आती है? लकड़ी क्या है? ये दूसरी टाइल है, ये रफ टाइल है। दोस्तों कमेंट करना ये कैसे लग रहे हैं टीएम गैंग। तिलक भैया वैसे सही में बताना, इनको होम फूड पे रखा है फीड पर बारह खा लेते हैं? ये होम फूड पे भी है, फूड भी दे रहे हैं, दोनों चीजें चल रही है, चिकन राइस वेजिटेबल और प्लस फीड, तीनों चीजें चल रही है। तो भैया टीएम बहुत कम बीमार होते हैं अगर जो आपके पास जेन्युइन टीएम है। अच्छा, चाइनीज टीएम में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। किस टाइप की? मतलब इनके भैया बाल बहुत ज्यादा होते हैं, स्किन थोड़ी लूज होती है। इसका अभी लास्ट गर्मियों में काट दिया था, तो अभी ये कोट दोबारा आ रहा है, इसका कोट बहुत बड़ा था, आपको मैं फोटो डाल दूंगा रेफरेंस के लिए। वैसे एक बार बताओ, जो हम इंडिया स्टैंडर्ड के हिसाब से कहते हैं जो मतलब टीएम होना चाहिए भैया, वो साथ में जो ब्लैक वाला है। हाँ जी, मतलब ये ब्लैक वाला जो स्टैंडर्ड के साथ। हाँ जी, ये वर्ल्ड चैंपियन का ग्रैंडसन है भैया। अच्छा, ये है केसीआई के स्टैंडर्ड के मुताबिक, और ये है चाइनीज जिसको हम कहते हैं चाइनीज टीएम। दोनों में फर्क तो है ही है वैसे। फर्क क्या है भैया? यूरोपियन में भी दो टाइप्स आती है, एक लॉयन टाइप आती है, एक टाइगर टाइप आती है। अच्छा, मोस्टली इंडिया में जो डॉग है यूरोपियन, जो डॉग शो वगैरह में देखा होगा, उनके इतना कोट नहीं होता जितना इस डॉग के।
मजल टाइट होना चाहिए जो स्टैंडर्ड के हिसाब से, आईज क्लियर होनी चाहिए आलमोंड शेप में, ठीक है, ट्रायंगल शेप में कान होने चाहिए, और इनका देखिए चाइनीज में आईज थोड़ी लटकी हुई होगी, मजल लटकी हुई होगी, थोड़ा हैवीपन दिखाने की कोशिश की गई है चाइनीज तो, चाइनीज ये जो ये बनाई हुई ब्रीड है भैया, ये नेचुरल है। एक चीज और मुझे बताओ, जो तिप्तियन नेटिव ब्रीड थी, नेटिव भैया ये टाइप नेटिव में ही आती है, ये नेटिव में ही आती है, ये स्टैंडर्ड है, ये हेकू टाइप बोलते हैं हम इनको। अच्छा, ये एक हेकू टाइप होती है, क्विंगाई टाइप होती है, क्विंगाई टाइप थोड़ी हैवी होती है, ये हेकू टाइप में आते हैं। तो ये चाइनीज क्यों लाए फिर आप? ये भैया देखो उस टाइम नॉलेज थी नहीं, स्टैंडर्ड का नहीं पता था, जब ब्रीड में नवे आए तो जो चीज मार्केट में आई अच्छी लगी उसके हिसाब से रख के देख ली, कि रख के एक्सपीरियंस कर लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है कैसा नहीं। ये भैया मेरी फीमेल थी लीलू, अच्छा। इंडियन चैंपियन, ये उसकी बच्ची है, ये हमने खुद रखी है अभी। ये कितने महीने की हुई? 10-11 महीने के करीब, 11-11.5 महीने की, ठीक है। और ये वाली जो रेड वाली, ये भैया मेल है, ठीक है भैया, तो बालों से ही पकड़ ले। ये भी 11 महीने के ही है। अच्छा, ये छोटे हैं अभी? हाँ जी, ये बच्चे हैं अभी। अच्छा, बच्चे हैं अभी। तो कितनी मस्ती से सारे घूम रहे हैं। एक चीज भैया और है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, एक गद्दी के साथ लोग मिक्स करवा रहे हैं टीएम की, मतलब मेल ले लिया या फीमेल ले ली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? भैया देखो वो है तो आउट ऑफ स्टैंडर्ड ही, अगर जो हम स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें लोगों को, भैया एक्चुअल में क्या है, लोग आते पैसे कमाने के लिए इस ब्रीड में, ओके, या इस ब्रीड में क्या डॉग लाइन में लोग ज्यादातर पैसे ही कमा रहे हैं, किसी को किसी के साथ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टीएम बोल के बेची जा रहे हैं 40-40, 30-30 हजार के बच्चे, उससे कुछ भी नहीं, मार्केट खत्म हो रही है टीएम की। मतलब गद्दी के साथ जब टीएम मिक्स हो जाता है तो वो टीएम कह के बेचते हैं या गद्दी कह के बेचते हैं? टीएम कह के ही बेच रहे हैं मोस्टली बंदे, और एक्चुअल में क्या देखो हम ब्रीडिंग कर लेते हैं टीएम गद्दी की मिक्स कर लेते हैं, लोग बच्चे ले जाते हैं बाद में किसी से मेल से मीटिंग करा लेते हैं, तो उसमें भैया 50% तो आपकी फीमेल में गद्दी का ही ब्लड है। अच्छा, तो जो वो प्रोड्यूस करेगी उसमें गद्दी भी मिक्स आएंगे, सब कुछ ही आएंगे, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी ना आप ब्रीडिंग कर रहे हो, मतलब इसके पे स्टैंडर्ड मेंटेन कम ही लोग कर रहे हैं जी, बहुत कम है भैया। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो टीएम और गद्दी की ब्रीड कर रहे हैं वो मिक्स ना करें प्लीज, इस चीज को बढ़ावा ना दे, क्योंकि जो कस्टमर है उसको जैसा हम गाइड करेंगे उसको वैसा पता चलेगा, हम उसको गद्दी का बच्चा भी टीएम कह के दे रहे हैं तो उसमें हमारा लॉस है भैया। फर्स्ट टाइम हमने भी टीएम लिया था तो हमारे पास वो है जो वो पीछे घूम रहा है, वो किसी ने हमारे को भी टीएम बोल के ही दिया था। अच्छा, ये पहला आपने लिया था? जो सबसे पहले ही डॉग ये लिया था है गद्दी है ये। हाँ जी, अब तो ये ना ये गद्दी भी प्रॉपर नहीं बोल सकते हम उसको, भूटिया टाइप ही है जो पहाड़ों में लोकल घूमते हैं, भूटिया अलग टाइप के है, गद्दी थोड़े लंबे लंबे होते हैं। टीएम ओवरऑल देखो भैया ये डॉग है ये प्रॉपर अपने स्टैंडर्ड को स्केयर कर, शॉर्ट होता है ये टीएम, शॉर्ट होता है, देखो स्केयर होता भैया, ठीक है, इधर से ऐसे नापते हैं हम। अच्छा, स्केयर होना चाहिए? हाँ जी, मतलब जितनी हाइट है उतनी लेंथ होनी चाहिए, प्रॉपर स्केरिस होना चाहिए टीएम, और ये अपने स्टैंडर्ड को पूरा क्लियर करता है सारा कुछ है इस डॉग में। दोस्तों बड़ा मजा आया इधर आके, मैं मेरा भी एक डर खुल गया कि 6 टीएम में मैं भी घूम सकता हूँ। टिप्पन मैस्टिफ में आप ऐसा लगा लीजिए ये हाइब्रिड भैया, हम बोल के हाइब्रिड कैसे, हम बेचते भी है तो हम क्लियरली बोल देते कि ये चाइनीज मैस्टिफ है, हाइब्रिड टीएम है ये मिक्स किससे होता है ये भैया, उन्होंने चाइना वालों ने काफी ब्रीडें मिलाई ये लैब्राडोर में, नहीं अच्छा लैब में, इसमें देखिए सेंट बर्नार्ड भी मिला हुआ है, नेपोलिटन मैस्टिफ भी मिले हुए हैं, ग्रेडन ये काफी ब्रीड है, मिला के इसको बल्की किया हुआ है, ये देखिए इसकी स्किन कितनी लूज है। चाइना वाले कुछ भी बना सकते हैं जी आज की डेट में, ये बस उस टाइम थोड़ा एक लगा लीजिए नॉलेज कम थी, जिस तरह की जो चीज मार्केट में अच्छी लगी उसी हिसाब से डॉग मंगा लीजिए, जैसे नॉलेज आ रही है तो जितने भी टीएम वर्ल्ड के लोग हैं वो जानते ही है, मेरी फीमेल थी लास्ट ईयर पूरी हुई है, वो एक्सपायर हुई है, लीलू नाम से थी वो, उस फीमेल ने काफी विन करी है, काफी अच्छे अच्छे कैनलों के डॉग्स हराए हैं, उसके बाद जिस तरह से स्टैंडर्ड का पता लगा ये डॉग मंगवाया हमने। एक बात और, टीएम को सैर कितनी करानी चाहिए, दौड़ आना चाहिए इनको, साइकिलिंग वगैरह करानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भैया करानी चाहिए, वॉक चाहिए, नहीं तो हुप्स वगैरह अगले पैर वगैरह खराब हो जाते हैं इनके, ठीक है। भारी ब्रीड है देखो, वेट होता है इनका ज्यादा होता है तो वॉक नहीं मिलेगी तो सब कुछ खराब ही होगा। चलो दोस्तों, टीएम के बारे में आप कितना जानते हो, मैंने आपको यहाँ पर एक गद्दी मिक्स भी दिखा दिया, चाइनीज भी दिखा दिया, और प्लस आपको टिप्टन मैस्टिफ भी दिखा दिया, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में एक नॉन स्टैंडर्ड आ गया एक स्टैंडर्ड वाला आ गया, और दोनों में बड़ा ही फर्क है। मैं ऐसे पहले कहता था कि थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है।
सामने ही है आपके, दोनों चीजें देख लीजिएगा। अभी ये भी पूरे मतलब अपने ग्रोथ में नहीं है, पूरे बाल नहीं है इसके, नहीं तो ये पूरी बब्बर से टाइप हो जाती है। और ये भी मानना कि एक मेरा भी दूर हो गया कि टीएम सारे ही अग्रेसिव होते हैं, ऐसा नहीं है। आज मेरा भी एक शक दूर हो गया कि छह कुत्तों में मैं भी। देखो जो ब्रीडिंग करते हैं ना हम ब्रीडिंग को ये नहीं कि मेल अच्छा यूज किया फीमेल अच्छी करी, हम मेल फीमेल का टेम्परामेंट देख के भी ब्रीडिंग करते हैं कि हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए। अब देखो ये सारे कुत्ते शो में नहीं जाते पर फिर भी ये आराम से बैठे हुए काम है। एक चीज इसका नाम बता दो जल्दी जल्दी। इसका नाम लोना है भैया, लोना। इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। देखो दोस्तों ये अभी शिकार पर चल पड़े हैं सारे पानी पुनी पी के। चलो दोस्तों ये कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये आपने सारे ही कुत्ते देख लिए, क्वालिटी भी मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि कैमरा में वो क्वालिटी नजर नहीं आती, हमेशा मैं आपको कहता हूँ, जो रियल में होती है। ये डॉग हैवी बिल्ड वाले हैं, इनको आप रियल में देखोगे तो पता लगेगा। वैसे ही शॉर्ट मैं डालता रहूंगा इनके सभी के। और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।